assalam alaikum students how are you i'm fine thank you and uh, last time we were talking something very interesting about uh, what are the elements which make uh, this communication possible elements as we were talking uh, the factors in this case uh, which are very really essential to communication i mean if you remove uh, one element one factor the process of communication is disconnected like an uh, electrical circuit if you remove one thing from there the circuit is incomplete so all these elements they make a complete circuit of communication if you remove one factor communication is uh, पर नॉट पॉसिबल फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेंडर द मैसेज चैनल रिसीवर एंड फीडबैक और दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यू रिमूव वन वन फैक्टर एंड देर इज नो कम्युनिकेशन फॉर इंस्टेंस इफ देर इज नो सेंडर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अगर कोई सेंडर ही नहीं है कोई कोई पैगाम देने वाला ही नहीं है कोई कोई इंफॉर्मेशन कोई इम्पार्ट ही नहीं कर रहा इज नॉट पॉसिबल यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ सेंडर इज देयर एंड देयर इज नो मैसेज व्हाट वुड यू डू विद देयर इज नो कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो मैसेज फाइन लाइकवाइज़, इफ देयर इज नो चैनल देर इज अडर देर इज अ मैसेज एंड देर इज अ रिसीवर बट इज़ नो चैनल मैं सेंडर हूं मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है हम सब समझते हैं कि हम इसको मैसेज कहते हैं मेरे पास एक मैसेज भी है और आप सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई चैनल नहीं है अगर तो हमारी आपकी मुलाकात वन टू वन है तो मेरे पास कोई वॉइस नहीं है फॉर इंस्टेंस या इन दिस केस ये जिस चैनल के जरिए आप देख रहे हैं ये चैनल नहीं है हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पाई ना ही मुझे आपकी फीडबैक का पता चलेगा किसी भी फॉर्म में ये सारे एलिमेंट्स ये सारे फैक्टर्स एक बहुत एसेंशियल पार्ट हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन एलिमेंट्स के बारे में हमेशा ही स्कॉलर्स तो हैं जो जो कम्युनिकेशन के बारे में रिसर्च करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट टू पुट दीज एलिमेंट्स इन सम फॉर्मेशन वेयर इन ए ग्लॉन्स यू कैन सी वेल निस इज इट साइंस का काम तो सिंप्लीफाई करना है आगे चल के अभी हम बात भी करेंगे साइंस का काम तो चीजों को सिंप्लीफाई करना है आम लोगों को बताने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को हमेशा से लोग सोचते रहे कि किस तरह से अलाइनमेंट करें इनकी कि कोई फॉर्म बन सके तो बहुत जैसा हमने जिक्र किया कि शैनन शैनन रिवर बेसिकली तो इंजीनियर थे मगर एक इंजीनियरिंग साइड पे भी कम्युनिकेशन का एरिया है 20वीं सदी में जब कम्युनिकेशन एक अपनी आप यू समझिए कि काफी ज्यादा फॉर्मल शेप में आनी शुरू हो गई स्टूडेंट्स तो जो साइंस की भी डेवलपमेंट साथ साथ हो रही थी और कम्युनिकेशन वहां पर भी जैसे टेलीग्राफ आ गया जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन तो के एरिया से ये इंजीनियरिंग साइड थी जो हम बात करते हैं जिस कम्युनिकेशन की और जिसके ऊपर ये हमारा सब्जेक्ट है और जिस कोर्स के आप स्टूडेंट हैं इसे हम कहते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन जो इंसानों के दरमियान कम्युनिकेशन है कि बात हुई बात को समझा गया फिर बात को कहा गया व्यूज लिये गए उसके ऊपर इस तरह से लेकिन जो इंजीनियरिंग साइड पर कम्युनिकेशन है कि एक पैगाम किस तरह दूसरी जगह पर पहुंचे वो अपनी जगह पर एक है तो शैनन जो थे ये इसके ऊपर काम कर रहे थे वीवर, शेनन, वीवर दो लोग थे दोनों इंजीनियर्स थे और इनका कोई मैथमेटिक्स का एरिया भी बड़ा स्ट्रांग था ये अपने एक मॉडल पे काम कर रहे थे तो इन्होंने जैसे हमने कहा कि फोर्टी सेवन में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया इसका मतलब था कि सारे एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके से अरेन्ज कर दिए जाए क्या एक एक ही पेज पे सारा देखे और आपको अंदाजा हो जाए कि किस एलिमेंट की क्या पोजीशन है जब प्रोसेस होता है और उसको डायरेक्शन भी आप मॉडल में दे देते हैं कि ये इस डायरेक्शन से है फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन वुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेंडर। इट वुड नेवर स्टार्ट फ्रॉम रिसीवर रिसीवर से जब स्टार्ट होगी तो वो एक फीडबैक की शक्ल में होगी या फिर वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस का आशेगा बट इट वुड स्टार्ट सेंटर, जितने भी एलिमेंट्स है तो ये मॉडल की एक बड़ी एक खास बात होती है कि आपको पता चल जाता है किम्युनिकेशन का मॉडल नहीं था स्टूडेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग जो हम ह्यूमन कम्युनिकेशन के लोग बना बनाया मॉडल मिल गया उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे Uh, जैसे उनके जेन में ये था कि टेलीफोन है टेलीफोन किया जाता है उसका एक सिग्नल क्रिएट होता है वो सिग्नल आगे कहीं पहुंचता है फिर लोग उसको रिसीव करते हैं तो हाउ टू पुट ऑल दीज एलिमेंट इन टू सम मॉडल उन्होंने इसको बनाया कि जो आदमी फोन कर रहा है वो सेंडर है फिर उसके उसका जो भी मैसेज है उसकी एन हो रही है जाहिर है वो जो मैसेज है वो किसी न किसी फॉर्म में एनकोड होगा तो किसी सिग्नल की शक्ल लेगा वरना तो बहुत मुश्किल है और सिग्नल की कैसे वो लेगा जब तक उसकी एनकोडिंग नहीं होगी तो टेलीफोन सेट जो है उसके अंदर जब आप बात करते हैं तो उसका जो प्रोसेस है मैकेनिज्म जो उसका है वो उसको एनकोड कर देता है एक सिग्नल में जैसे वॉयस पल्स को वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट भी कर देता अब वो एक तार के जरिए चैनल के जरिए पहुंचती है एक दूसरे सेट पे वहां पर क्या होता है सिग्नल डी हो जाता है वो तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है वो दोबारा से वॉइस में चेंज हो जाता है और वॉइस से रिसीवर जो है उसको वसूल कर लेता है और इस तरह एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फिर वो जो बात करता है रिसीवर एक्नोलिजमेंट uh, की कि यस हाँ तो वो एक किस्म की फीडबैक है वह हमारे ह्यूमन उसमें ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है मगर मतलब यह एक सारा प्रोसेस था कि उसका डी होना भी जरूरी है बिल्कुल इसी तरह जैसे टेलीविजन है या रेडियो है रेडियो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में वो जो सिग्नल है आवाज का स्टूडियो में एक आदमी खबरें पढ़ रहे हैं न्यूज रूल न्यूज रील में खबरें आ रही हैं। तो ऑल दैट सिग्नल इज कन्वर्टेड इज कन्वर्टेड इन टू अग्नल एंड इट कम्स टू योर रिसीवर इट कम्स टू योर रेडियो टेलीविजन ऑल दैट इज डी कोड

तो so स्टूडेंट्स ये है कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसके बारे में क्या वो जो गालिब की लाइन है कि दुशवार तो यही है कि दुशवार भी नहीं जो डी है उसको आप कैसे कर पाएंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन में अब ये मैकेनिकल तो है नहीं एक सिग्नल आया मैंने एक बात कही मैंने उसको एनकोड कोड किया जाहिर है मैंने उसको अपने लफ्जों में मेरे जेन में एक ख्याल था जो मैंने आपसे कहना है मैंने उसको लफ्जों की शक्ल दे के अपनी बॉडी लैंग्वेज की शक्ल दे के अपने फेशियल एक्सप्रेशन में ला के क्योंकि मुझे पता है कि यह टी वी के लिए हो रहा है तो वह सारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वह बीच में आ जाती है ये सारी चीजों के साथ मैंने उसको एनकोड करके तो उसको चैनल में थ्रू कर दिया सवाल यह है कि जब आप इसको रिसीव करते हैं और डी करते हैं तो क्या आप बिल्कुल वही समझते हैं जो मैंने कहा है या नहीं आप सोच सकते हैं खैर गालिब ने तो यह कहा था ना कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है तो दिल की बात है सवाल यह है कि क्या मैकेनिकल फॉर्म में जिस तरह शन वीवर के मॉडल में एक सिग्नल डी हो गया क्या इसी तरह ह्यूमन कम्युनिकेशन में मैसेज उसी तरह डी हो सकता है जिस तरह उसको एनकोड किया गया यह सवाल बड़ा अहम था इसके इसका जवाब शन वीवर के मॉडल में नहीं मिलता उनके यहां डी उस तरह से नहीं है जिस तरह इंसान समझते हैं क्योंकि डिकोडिंग का जो प्रोसेस है आप तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और आप तो अपने और जो मुख्तु सब्जेक्ट्स में उसमें भी देखेंगे और आप देख भी रहे होंगे कि जो बात को समझने का मरहला है वो कई चीजों पर मुनहसर है बहुत सारी चीजें मुनासिब हों अपनी अपनी जगहों पर हों तो आप उसको समझ पाते कहा यह जाता है और ख्याल यह है कि ये इसमें कोई गलत ओपिनियन नहीं है कि देर इज हार्डली अ मैसेज विच कुड बी अंडरस्टूड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इट इज अंडरस्टूड हंड्रेड परसेंट देर इज हार्डली अ मैसेज इन ह्यूमन कम्युनिकेशन यू हैव सेंड अ मैसेज यू हैव एन कोर्डिनेट टू देश ऑफ योर एबिलिटी You have found uh, very proper words and expressions and body language. Uh, you are a fantastic actor to describe what this feeling is. To the best of it. And the encoding has uh, taken the uh, best of its form. But still, when it comes to decoding, do you understand the same? The same feeling, but which the sender has encoded. So, answer is always unfortunately no. You can be very near to it. You can be very close to the meaning, but it's very difficult to understand hundred percent to another person who is a sender. So that is why there is always a, a confusion in human communication, and that sometimes leads to further confusion. And then the whole matter is, uh, is hushed up in different ways. But here, as uh, this process was going on, there were some people who were thinking about uh, these things how to find a solution or how to improve. Shannon Weaver. Model. It was very essential because uh, you cannot depend on an engineering model uh, very long. You need to have a similar arrangement with the human communication. And solution came not uh, after a very long time, but I would say rather shortly. If you see in the perspective of history, the Shannon Weaver model was presented in 1947, and in an improved. Model as we were talking uh, in the last sitting was presented uh, by the same Shannon Weaver in 49 uh, with the addition of a feedback element into it. But again, the feedback was in the mechanical model as well because when you are talking to another person on uh, like something like on telephone, we are also giving a feedback and that is also taking the shape of uh, encoding and decoding the form of signal and impulse. That is fine, but again, uh, that was not. NF for human communication. The answer came in nineteen fifty-four through Sham model. Sham Osged uh, were again two people. They were more interested in uh, human communication, in human communication model. So they they took the original idea of a model from Shannon Weber and uh, continued working there how to convert this this engineering communication model into human communication model. It took them hardly 7 years, they came up with uh, their own model in the in the history of uh, communication people uh, know it as a uh, Sham-Oscott communication model. We will talk uh, uh, about uh, this model shortly. But first, we will talk here. What is the advantage of a model? We promised to talk on this topic when we were talking last time. Why a model is essential? Though you see, the first we put all the elements together. But then, what is the advantage of a model? Well, again, students this makes uh, uh, something very interesting why we need a model see the first it is very difficult to put something in words all the time you need to have some sort of graphic you need to sometime uh, to have a sort of an image or you need to have sketch something like this where it is very easy for you to understand for instance

is in fact attached to a handle and a handle is attached to a frame and frame has a seat, oh, very difficult to, to make you understand what a bicycle is. And all the more difficult it is if I start telling you in what position the bicycle is lying in this garage or in this room, that is very difficult perhaps i would never be able to tell you what cycle bicycle looks like if you are not familiar with what bicycle is and uh, you see we will come to mass communication with the reference of what we are talking right at this moment so uh, don't feel like as, as if we are going uh, too narrow in some area this has a direct connection with mass communication so, our main subject is mass communication, and we will come to it. But first, let us see how it uh, works. So, if I make a model of a bicycle and I place it in the garage, and I only show you a graphic representation of uh, what it is, I think it will take you of very little time as compared to listening to my lecture which explains what bicycle looks like and how it is placed in the garage. If you, it, you would understand. this is front wheel, hai, back. if it is labeled as well, this is the handle, this is the seat, this is the frame, this is the front wheel, this is the back wheel, this is carrier, this is the paddles, chain, the armaments. It will take a very little time, you would come to know. Well, I mean, this is one advantage. Why? Uh, instead of going in the words, we go, we prefer to go into sort of uh, sketches or model. Then, another advantage of uh, models is uh, that the model simplifies the complexities of something. Because science uh,

डर है ये रिसीवर है ये एक चैनल है इस तरह से फीडबैक होगी मैसेज को इस तरह से आपने एन कोड करना है तो मुमकिन है कि किसी स्टेज पे आप ये फील करें कि यार ये खासा मुश्किल किस्म का काम बट यू स्टूडेंट दिज नॉट लाइक दिस इफ यू सी अ मॉडल यू सी ओ फाइन यू सिंपली गो थ्रू एट्स ओके इट्स नाउ वेरी वेल अंडरस्ट वॉट इट इज वॉट द अरेजमेंट इज एक काम जो है वो उसको सिंपल करना है एक तो उसको पर्सपेक्टिव में रखना जैसे हमने अभी बात की कि जो एडवांटेज उसका जो है इसके उसका प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखें दूसरा उसका ये है ये हेल्प करता है आपको कि आप उसको सिंप्लीफाई uh, कर लें एक और एडवांटेज बहुत मॉडल्स के हवाले से समझा जाता है कि यह देखने वाले को हेल्प करता है कि वो इसमें से कुछ कुछ डिस्कवर कर ले कुछ इसमें मॉडल को देखते ही आप ये समझ आए कि इसमें आप कुछ या तो ऐड कर सकते हैं या आप इसमें से कोई चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं ये बहुत जो मॉडल का मैनिफेस्टेशन होता है उसमें ये चीज़ बहुत वजाहत से हो जाती है कि आप जान जाते हैं कि इसमें यह चीज़ ज्यादा है फर्ज करेंगे अगर आप उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं और बजाय इसके कि आपके सामने कोई पंद्रह सफों पर लिखी हुई कोई चीज है आपके सामने एक मॉडल अगर मौजूद है तो आप उस मॉडल को बार बार देख के बार बार उस पर गौर करके आप ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि इसमें ये वाले एलिमेंट्स अगर इस तरह से प्लेस कर दिए जाए या ये वाले मॉडल इस तरह से इनको इनकी पोजीशनिंग चेंज कर दी जाए या ऑल टुगेदर कोई एलिमेंट अगर डिलीट कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा यू आर इन अ बेटर पोजीशन जब वो मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ हो ये सारे चीजें वो हैं जो आप एडवांटेज देती हैं आपको जब आप एक मॉडल को देखते हैं इसलिए हमने ब्रेक लिया था जब शैन रिवर मॉडल की बात करें तो वी जस्ट टू क्यों ब्रेक आपको यह चीज पता चलेगी कि उसके एडवांटेज क्या है तो आपको उसका परस्पेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है दूसरा वो बहुत सिम्पलीफाई हो जाता है और तीसरा ये है कि आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अगर आप तहकीक करना चाहें और इसमें कुछ गौर फिकर का एलिमेंट आपका अगर आना चाहें तो आप इस पोजीशन में होते हैं यू डिस्कवर मोर थिंग्स बाय गोइंग थ्रू मॉडल राधर देन गोइंग थ्रू दस्ट अबाउट सम थिंग यू हैव नवर एनकाउंटर्ड इट्स वेरी डिफिकल्टू हैव अ मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू यू आर इन अ ग्रेट पोजिशन To delete some element, to add some element, or you modify uh, some element, or if you want to change the position of some element, that well, actually, it goes like this. You are in a sound position. You are in a firm position to take a decision. So it helps in um, in doing your research work and suggesting uh, something very concrete. To other people uh, uh, and a very scholarly debate uh, may be generated. So, this is the advantage of having models. But again, as this is very common in the social sciences, when you have some advantages, you also have some disadvantages. For instance, in this case, uh, uh, a model in communication is, uh, is not the last word. Models have their own limitations. At one stage, when we learn the advantages of having a model, we also uh, should give a side: what are the limitations of a model? There must be because you always have uh, both sides somewhere. Uh, some aspects of uh, some given thing is uh, are going uh, into your advantage, and at the same time, the same thing, because from some other perspective, it doesn't appear helping you we must see where these models do not help you or uh, uh, do not uh, in fact uh, give you some more ideas and uh, they do not open gates for you to do more uh, on those models for instance it is generally believed that models generally oversimplify things she's actually it mean, uh, प्रैक्टिकली चीजें जो हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स लेकिन मॉडल को देख के ये लगता है कि ये बहुत आसान सी चीज़ है अच्छा बस ये जिस तरह मॉडल बता रहे जैसे फर्ज करें हम इसी मॉडल की मिसाल लेते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन का मॉडल अभी तक जो शैन वीवर का हमारे सामने है उस मॉडल को देख के यूं लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही आसान बल्कि वह तो इतना आसान मॉडल है कि यूँ लगेगा कि जैसे बहुत ही आसान तर, चीज़ है कम्युनिकेशन की एक सेंडर है एक रिसीवर है एक चैनल है और आप कर सकते लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कम्युनिकेशन एक एक खासा पेचीदा सा आ, मामला है ये इतना साधा नहीं इतना इतना सिम्पलिस्टिक नहीं जितना मॉडल इसको दिखा देता है हम, this, ये मॉडल uh, इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता है वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट दट मॉडल सम टाइम ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स इन प्रेक्टिकल लाइफ द थिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स वेन यू एनकाउंटर समथिंग फॉर इंस्टांस इफ यू हैव टू सेंड अ मैसेज यू हैव टू फाइंड अ चैनल यू हैव टू फाइंड अव टू फाइंड अ रिसीवर एंड अगेन द फीडबैक In completing this or the process of you may find it's complex, it's difficult, it is hard. But if you look at the, the model, the model tells you it's a very simple a process. A sender is sending a message, there is a channel, there is a receiver, and there is a feedback, and it is all over. it is all simplification of things. We must keep in mind this is one aspect of models. And secondly, the word ऑफ डिपेक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ थिंग्स इन मॉडल आर समाइम नॉट ट्रू फॉर इंस्टेंस जैसे हम देखते हैं कि दुनिया का नक्शा बना दिया जाता है जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं कि यह एक एक्टल है ये एक नक्शा है अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखते हैं आप देखते हैं कि यह पंजाब है यह सूबह सरहद है बलूचिस्तान सिंध कश्मीर आज़ाद कश्मीर नॉर्दर्न एरियाज़ जिस पाकिस्तान के आप देखते हैं अक्सर के जो पंजाब का एरिया है वो ये सिर्फ डिस्टिगशन के लिए किया जाता है हम मॉडल की बात कर रहे हैं कि किस तरह इसमें जो जो चीजें बहुत सही नहीं होती उसमें किस तरह उनको मार कर दिया जाए इट मे लीड टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब द फैक्ट फॉर इंस्टांस पंजाब को सबज मार किया हुआ सुबह सिंध को आप समझिए कि लाइट ब्राउन मार किया हुआ बच्चों को यह बताने के लिए उन्हें क्लियर हो जाए कि यह पंजाब है ये सिंध है ये सुबह सरहद है अब इससे ये हो यह हो सकता है कि कोई इससे यह नोशन ड्रॉ कर ले कि चूंकि पंजाब में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है और इसलिए इसी को सबज दिखाया गया है सो देट इज वाई इट इज ग्रीन मैं वैसे बहुत अच्छे तक नक्शे दे यही समझता रहा कि यह दिखाया गया एक सिंपलिस्टिक नक्शे की मैं बात कर रही हूं आम से नक्शे की ऐसा हरगिज नहीं सुबह सिंध से जो लोग वाकिफ हैं और आप में से जो दोस्त सुबह सिंध से वाकिफ हैं और जो स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली सुबह सिंध जाते हैं दे वुड फाइन के दिनियन एक्टिविटी दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन दिंध प्रोवेंस इज पर स्ट्रॉन्ग एज इन पार्ट ऑफ पंजाब एंड स्टूडेंट वर फेमिलियर विद एन डब्ल्यू एफ पी दे मे फाइंड दैट पार्ट ऑफ एन डब्ल्यू एफ पी आर ग्रीन ग्रीनर दैन पार्ट ऑफ पंजाब सुबह सरहद के अंदर जहां पर एग्रीकल्चर होता है और जहां पर ग्रीनरी है वो तो इतने गजब की है इंसान उसकी ब्यूटी में खो जाता है जो सुबह सरहद के अंदर ग्रीनरी का एलिमेंट है लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर जो नक्शे बनेंगे उसमें इस तरह से कलर स्कीमिंग नहीं होगी तो जो ये एक फैक्टर है जिस दुनिया के नक्शे आप देख लेते हैं अब दुनिया के नक्शे भी देखते हैं कि ईरान जो है वो वह की रेड है और तुर्कमानिस्तान जो है वो वाइट है और रशिया जो है वो पिंक है और जो अमेरिका है फर्स्ट करेंगे कलर्स के हवाले से कोई बात है लेकिन उस कलर्स की उस कंट्री के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है इट इज डिफाइंड हम एक सिंपल मॉडल की बात कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें जैसे आप नक्शे पे देखते हैं कि पिशावर फर्स्ट ग्रह सुबह सरहद का नक्शा देखते हैं मुझे एक छोटी सी बात ज्यादा, आई अगर आप पिशावर से देखें कालाम तक तो आपको नक्शे पे बिल्कुल सीधा साधा से लगेगा अब आप, आप कलर्स को छोड़ दें आपको नक्शे पे लगेगा ये पिशावर है और जो उसके साथ लेजेंड बना हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखें कि कालाम कहाँ है तो आपको लगेगा कि ये बस कोई सौ किलोमीटर के फासले पर होगा और ये पशावर है और वो कालाम है और आप अगर ये सोचें उस मॉडल को देख के उस मैप को देख के कि बहुत आसान आ रहा अपनी गाड़ी ले जाए कि पेशावर से कालाम जाने बस पेशावर से निकलने में एक घंटा लगेगा आपको फिर उसके बाद इट वुड स्टार्ट टेलिंग यू कि नक्शा क्या कहते हैं वो मॉडल जो आपने पेपर पे देखे वो क्या कहते हैं और जो रियालिटी है वह क्या कहते हैं वो आप जब मालाकंड की हाइट से गुजरेंगे तो फिर कलाम की जो वैली है वहां से आपको ये शेर सुनाई देगा कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ क्योंकि रास्ता जो है वो फिर थोड़ा सा दुशवार गुजार हो है और अगर सड़क ब्रोकन हो जो मुझे नहीं पता अक्सर रहती है इस हालत में तो फिर आपको अंदाजा होगा कि नक्शे पे किसी चीज को देखना और उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना इसमें फर्क है मॉर्टिनसन जो बड़े स्कॉलर हैं इस चीज के हमारी कम्युनिकेशन के बड़ा उनके एक रिप्यूट है उनका उनकी तरफ से ये सबसे पहले ये डिस्कवरी उनकी तरफ से कि द बिहेवियर एंड द पोर्ट्रेल ऑफ थिंग्स ऑन द मॉडल्स इज समाइम कंफ्यूजिंग जैसे हमने आपको मिसालें दी यहाँ पर एक दो नक्शों के हवाले से दे आर समाइम कन्फ्यूजिंग वो इतनी क्लैरिटी में उस बात की वजाहत नहीं करती जितनी उस बात की आ, उसमें उसमें गुंजाइश होती है उस चीज़ की उस चीज को वह नहीं करते इसी तरह जो मॉडल होते हैं उसमें जो एक प्री मेच्योर क्लोजर का एलिमेंट होता है कि मॉडल जो है वो बहुत डिटेल में एक चीज़ आपको नहीं दिखा सकते बस वो आपको एक एक, एक ग्लास में आपको वो मॉडल नजर आ गया और आप समझते हैं कि बस ये वहीं आप उसको बंद करते हैं आप समझते हैं कि आपने उस चीज को जान लिया ये एक और है कि उसमें जो एक प्री मेच्योर एलिमेंट है उसमें करने का तो ये तो स्टूडेंट एक बात थी जो हमने उसको कंटिन्यू किया कि जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि शैन वीवर मॉडल है उसके वो तो एक इंजीनियरिंग का मॉडल था तो उसके बाद हमने देखा कि मॉडल जो है उसके अपने एक प्लस पॉइंट्स हैं और उनके अपने आई वुड नॉट सेव पॉइंट बट आई वु देर आर पॉइंट से लिमिटेशन ऑफ अ मॉडल हर दुनिया का कोई भी मॉडल जब आप किसी चीज का बनाएंगे तो उसके कुछ एडवांटेजेज होंगे जिसको देख के आप कुछ फायदा उठा सकते हैं और कुछ उस मॉडल की लिमिटेशंस होंगी वो भले से किसी भी सब्जेक्ट में हो और हमारे इस इस एरिया में तो बहुत ज्यादा है क्योंकि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो कभी भी मैकेनिकल फॉर्म में नहीं हो सकती इसका जिक्र अभी आएगा और आगे आने वाले लेक्चर में आप बार बार ये बात सुनेंगे कि जो कम्युनिकेशन है थोड़ा पेचीदा मामला है इसमें कभी भी ये ऐसा है नहीं कि जैसा आ, हमने कहा वैसा ही आपने समझा फिर मुझे वो वो याद आई लाइन उठ की वो क्या है जो गालिब ने कहा कि उन्होंने महसूस किया होगा तो कहा होगा कहते हैं कि बक रहा हूं जुनू में जाने क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई कम्युनिकेशन का मामला इतना सेंसिटिव है कि तो आपको ये फील होता है कि जो मैं कह रहा हूं जो उसको सुन रहा है वो पता नहीं क्या समझ रहा है पता नहीं वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है जो मेरी बात सुन रहा है उसके जहन में क्या चीज है और वो क्या समझेगा मेरी बात सुन के तो फिर ये एहसास होता है कि कहने वाले को

when uh, when you are using some tool of mass communication like newspapers or radio and television or internet you are using computer if there is a slight mistake in understanding or sending the message the whole process of communication may become very embarrassing for different people not only the sender and the receiver but for the people who are in the surrounding for them it becomes sometimes a very difficult proposition. We will talk more about this. Right now, we are talking about uh, this model. We were talking model, what are the advantages in models, and what are the limitations. I will not say disadvantages. I would prefer to call it a limitation of a uh, model. And from here, we come to our, uh, what we in fact wanted to talk today is the Shamasker model. आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस वक्त आपके सामने जो है ये मॉडल जो है आपको दिखाया जा रहा है यू कैन ईजीली सी वट चेंजेस दिस मॉडल इंट्रोड्यूस इन दी शैन वेवर मॉडल इसमें एक तो बड़ी खास बात है आप देख सकते हैं इसमें कि जो सोर्स है और उसके बाद उसकी जो एनकोडिंग है और फिर उसने एक सिग्नल की फॉर्म ली है आप उसको चैनल समझ लीजिए और फिर वो डी में गया है और फिर उसको उसने समझने की उसमें कि वट एक्चुअली द पॉइंट इज कैसे ये उन्होंने इसमें चेंज लाए आप ये देखिए कि दो सर्कल ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं टू मेक द मैसेज बी अंडरस्टूड इट्स वेरी क्लियर हेयर यू वुड फाइंड टू मेन सर्कल्स विच आर ओवरलैपिंग एट अ पॉइंट ऑफ सिग्नल एंड सर्कल्स आर एक्सटेंडेड टू द डी कोडिंग द कम फ्रॉम एन एंड दे गो फॉर डी एंड देन मेकिंग द मैसेज अंडरस्टोड नो वॉट इट इज वी आर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर आप ये देखिए कि जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो मैसेज को समझने के लिए इंतहा जरूरी आप ये देखिए अगर मैं आपको यह बताऊं हाथी के बारे में के हाथी जो है वो चल पड़ा और हाथी जख्मी हो गए लेकिन आपको पता ही नहीं हाथी क्या है आपके वो एक्सपीरियंस में है ही नहीं आप एक ऐसे जानवर को नहीं जानते जिसका नाम है हाथी मैं जानता हूं अगर आई एम आई एम ए सेंडर आई एज ए सेंडर कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस एनिमल यू एज ए रिसीवर वट पर अंडरस्टेंड कि यह कोई छोटा सा एनिमल है अगर मैं अपने बात में कह रहा हूँ कि बड़ा सा है तो आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये गाय की तरह का हो इट इज लाइक ए खा हो वेल यू फाइंड इट्स आर ह्यूज यू मे फाइंड इट इट्स लाइक दिस यू मे नवर नो वाट एग्जैक्टली इट इज मैंने कभी कार नहीं देखी फर्ज कर ली मैंने कभी कार नहीं देखी कि जिसको आप कहते हैं जी कार है और आप अगर मुझे ये बताएं कि सर हमने एक कार देखी वो क्या जबरदस्त मॉडल है और मैंने कार देखी ही नहीं हुई लेकिन मैं दूसरी व्हीकल से वाकिफ हूं मसलन मैं टैंक से वाकिफ हूं मैं ट्रक से वाकिफ हूं मैं जीप से वाकिफ हूं मैं और जो फोर व्हीलर है उनसे वाकिफ हूं लेकिन मैंने कार नहीं कभी देखी अगर आप ये देखिए इस कंपनी ने कैसा जबरदस्त मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया कार का मैं आपकी बात सुन कर तो लूंगा लेकिन क्या मैं उसको समझ भी पाऊंगा जो हमारा असल में जो श्याम ओसगेट का जो एक पहलू था कि मॉडल में किस तरह से उसको लेके आए कि जो ये सारी चीजें जो एन कोडिंग है जो मैकेनिकल में तो बिल्कुल ठीक है कि आपने साउंड की इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल की इम्पल्स को साउंड में कोडिंग और डी कर दिया इट इज फाइन ह्यूमन कम्युनिकेशन में कैसे करें ये कैसे डी होगा जो मैं कह रहा हूं वह आप कैसे समझ पाएंगे तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट एड किया जाता है इसमें वो बहुत जरूरी है और वो ये है कि आपका जो यानी सर का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट कॉमन होना चाहिए अगर कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किसी चीज के बारे में नहीं है तो उसको समझना फॉर रिसीवर बहुत ही मुश्किल काम और ये एक ऐसा उनका उन्होंने नया जो एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस करवाया उसमें ये चीज़ जो थी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए वरना जो है उसको समझने में बहुत मुश्किल पेश आएगी फीडबैक का एलिमेंट उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि जो मैकेनिकल मॉडल था उसमें फीडबैक का एलिमेंट भी इम्पल्स की और सिग्नल की फॉर्म में है जब फोन सुन रहे हैं आप फोन के ऊपर कहते हैं जी हाँ यस ठीक है फाइन तो जो फोन कर रहा है उसको फौरन पता चलता जाता है कि आप बात सुन रहे हैं आप हंस पड़ते हैं आप कहते हैं, हैं ओह अच्छा ओ नहीं तो Of. तो जो फोन कर रहा है जो सेंडर है एक्चुअल मैसेज का उसको पता चल जाता है कि आप बात सुन रहे हैं और क्या रिएक्शन भी दे रहे हैं अफसोस ना खबर है तो आप फॉरन करते लेकिन अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स इन शेन वेवर मॉडल द फीडबैक इज दियर बट दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स आई मीन द अगेन फ्रॉम द सोर्स इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल द वॉइस

जैसे आप बात कर रहे हैं किसी अगर फर्ज करें आप वन टू वन कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो सबसे सिंपलिस्टिक फॉर्म है कि आप वन टू वन बात कर रहे हैं डायरेक्ट किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके जेस्चर से उसके सर के हिलाने से उसकी आवाज से ये पता चलेगा कि जो बात आप कह रहे हैं उसका उसके ऊपर क्या असर हो रहा है और उससे आपको ये फायदा हो रहा है अब आपने क्या बात कहनी जैसे हमने पिछली दफा शायद एक आपको मिसाल भी दी थी कि आप किसी में एक लतीफा सुनाना चाह रहे आपने बात शुरू की मगर आपको उसके फेस से पता चला कि वो आदमी इस वक्त इतनी सीरियस किसी सोच में है कि वो लतीफा उसको सुनाना ठीक नहीं तो आप फिर उसको रोक लेते हैं आप बात बदल लेते हैं आपने बात क्यों बदल दी इसलिए कि आपको फीडबैक हुई आपको ये फीडबैक हुई कि इस वक्त ये बात करनी मुनासिब नहीं होगी तो आपने वो बदल ली फीडबैक का एरिया और भी बहुत वसत रखता है अपने अंदर जैसे आप कोई जैसे कोई टीचर उन्होंने एक असाइनमेंट दी अब हुआ ये कि फर्ज करें कि सौ स्टूडेंट थे जब उनकी असाइनमेंट वापस आई तो टीचर ने ये नोटिस किया कि सौ में से से नाइन्टी जो स्टूडेंट हैं वो तो उस असाइनमेंट को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये असाइनमेंट फिर स्टूडेंट के लेवल से इस स्टूडेंट का जो लेवल है इससे जरा ज्यादा सुपीरियर हो गई है अब हो सकता है वो कोई लीनियंट मार्किंग कर लें या वो कर लें इस तरह से वो उसको उनके लिए एक फीडबैक है उनको और वो सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगले सेमेस्टर में जो असाइनमेंट हमने देनी है वो जरा सिम्पलिस्टिक सी हो क्योंकि ये स्टूडेंट की एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की उससे बियड नजर आती है इस तरह की असाइनमेंट ये भी एक फीडबैक ही फॉर्म है अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इसको बॉर्डर भी नहीं करेगा अगर फीडबैक का एलिमेंट कम्युनिकेशन में ना हो ये इसेंशियल पार्ट है कम्युनिकेशन का इट मे बी डिलेड बट इट इज देयर जैसे एक पॉलिटिशियन है वो एक कैंपेन करते हैं दो महीने और हर अपने जो कॉन्स्टिच्युएंसी है वहां जाके वो कहते हैं जी हमें वोट दे हम ये करेंगे हम ऐसा करेंगे मैं इस तरह का इंसान हूं जी मेरी पार्टी बड़ी अच्छी है जी सारे यूं ही कहते हैं ना तो वो इस तरह से ये नहीं वो एक होता जाएगा लेकिन जो वोट काउंट होगा वो उन पॉलिटिशियंस को उन उस पोलिटिकल पार्टी को ये सजेस्ट करेगा कि उनका जो जो प्लान है उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी कॉन्स्टिच्युएंसी के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया किया फर्स्ट करें आप जीत भी जाते हैं लेकिन बड़ा मार्जिनल जीतते हैं स्टिल इट इज अ फीडबैक कि आप बड़ा मार्जिनल सा जीते हैं इसका मतलब यह है कि बहुत वास्ट मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वेरी सिंपल मेजोरिटी कि हम ये काम करेंगे फीडबैक का एलिमेंट जो है वो लाजमी जैसे आप एक किताब लिख देते हैं अब इमीजिएटली उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं है लेकिन एक साहब ने वो किताब पढ़ी है वो एक साल के बाद आपको मिलते और कहते हैं कि वो वो मैंने आपकी किताब पढ़ी हजूर बड़ी अच्छी किताब थी ये तो मैंने अपने ये बात की वो ये भी कह सकते हैं कि यार बड़ी बुरी किताब थी लेकिन हुआ क्या कि मुझे एक साल के बाद और मैं ये चाह रहा था कि वो साहब मुझे बताएं क्योंकि आई ट्रस्ट दैम कि वो मुझे बताएं लेकिन उनसे मेरी मुलाकात ही एक साल बाद हो रही बट स्टिल दिलीमेंट ऑफ फीडबैक इज देय ये शैम ऑसगड जो मॉडल था इट लुकड अराउंड

एक्सपीरियंस भी हो गया जैसे हमने हाथी की मिसाल दी फिर से मैंने हाथी की बात की आपको भी पता है कि हाथी क्या है लेकिन सवाल यह है कि जो मैं हाथी के बारे में आपको एक चीज बता रहा हूं क्या आप उसको समझ भी उसी तरह से रहे? हाथी को तो आप जानते हैं क्या आप मेरी इस बात को समझ भी उसी तरह रहे जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए जो शहमॉजे मॉडल में जो आपने अभी देखा उसमें उन्होंने ये गुंजाइश भी रखी कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें बात समझी जाती है वह एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट होता है सेंडर का और रिसीवर का उस उस कॉन्टेक्स्ट के इतने ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो उसको बनाते हैं जैसे उसमें एज ग्रुप क्या है मतलब एक ए, एक बड़ी उम्र का आदमी जो है वो बात कह रहा है तो वो किस तरह समझी जाएगी अगर वही बात नस्बता एक यंग एज का आदमी कह रहा है या कोई बच्चा कह रहा है तो वो कैसे समझी जाएगी एक क्रिश्चियन एक बात दूसरे क्रिश्चियन से कह रहा है वो बात कैसे समझी जाएगी अगर सेम पर्सन हु इज ए क्रिस्चियन वो ये वाली बात हिंदुओं से कह रहा है तो हिंदुओं उसको कैसे समझेंगे अगर वो यही वाली बात एक मुसलमानों के ग्रुप से कह रहा है अब मैसेज वही है पर्सन इज द सेम लेकिन क्या है वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें फैक्टर चेंज हो जाता है रिलीजन का फॉर डिफरेंट ऑडियंस फॉर डिफरेंट रिसीवर्स सो दे रिसीव द मैसेज एकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द मैसेज इसी तरह न, जो एक सेक्स का फैक्टर है ये बहुत बड़ा है अगर कोई फीमेल की तरफ से कोई बात की जा रही है और कोई मेल की तरफ से कोई बात की जा रही है मतलब आपको डांट पड़ती है अम्मी से और बिल्कुल वही डांट पड़ती है आपके ابو से इफ योर फादर इज देर एंड योर मदर इज देयर और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने एंगर को ऑन योर बिहेवियर आप किस को ज्यादा आप समझते हैं कि आप वैल्यू करते हैं क्योंकि कॉन्टेक्सट में ये फैक्टर है कि फादर तो उसको आप उसको और तरीके से लेते हैं यू डू नॉट शो मोर लिनियंसी बट इफ इट इज कमिंग फ्राम द मदर यू टेक इट रादर लीनियंटली क्यों मैसेज इज द सेम आप उस मैसेज को जब डी कर रहे हैं जब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप उसको समझ कैसे रहे हैं ये वाला जो फैक्टर था अगेन ये यशग ने इसको क्लियर किया कि डिकोडिंग अपनी जगह पे डिकोडिंग के लिए जरूरी है कि कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो तभी आप समझ सकेंगे कि एन कोड क्या किया गया जैसे मैंने कहा कि कार वो डीकोड तभी होगी जब आपको भी ये पता हो कि कार क्या है लेकिन इसके साथ ही साथ ये वाला प्वाइंट के मैसेज को उसको समझना उसको सिर्फ डी नहीं करना बल्कि उसको ह्यूमन फीलिंग के करीब तर उसको पहचानना यह कैसे मुमकिन होगा ये वाली बात उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन का मॉडल है उसमें डिकोडिंग, कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ साथ और फीडबैक के साथ साथ एक जो कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है अब अगेन जैसे हम ये कहते हैं कि हर चीज का जो एक प्लस पॉइंट है और फिर उसका जो एक आप समझ लीजिए उसका जो कोई ड्रॉबैक है या उसके साथ कोई इस किस्म की चीज है उसमें जो ये वाला मॉडल था शैमेट का इस मॉडल में भी एक ये था कि ये इसमें एक ड्राबैक ये थी कि जनरली इट वॉज डिजाइंड फॉर अ बाईल कम्युनिकेशन के एक सेंडर है एक सोर्स है ये सारा मॉडल उसको ज्यादा जेर बहस लेके आता है एक सेंडर कहा, रिसीवर ने कहा, उसकी डिकोडिंग कैसे हुई कॉन्टेक्स्ट क्या था मैसेज कैसे समझा गया ये, ये सारा उसी को एक्सप्लेन करते है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर वक्त दो लोग नहीं होते कि एक मैसेज आया एक आपने उसको समझा ऐसा नहीं होता जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी स्टूडेंट्स उसमें इट इज रादर कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू है इसमें यह भी मुमकिन है कि मैं बात कर रहा हूं और आप अगर एक ख़ास इंसान की प्रेजेंस में हैं तो आप मेरी बात को और तरह समझ रहे हैं और अगर आप किसी और इंसान की प्रेजेंस में हैं तो आप उसी मैसेज को उसी सेंडर से बात को और तरह समझ रहे हैं You would agree. In common uh, practice, the message is understood in rather a uh, different way, in 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 more than what uh, this uh, model of uh, Shyam suggests. So you see, always it is a little, it is a very little drawback as compared to the advantages this model brings in understanding all uh, this very, I would say, rather complex communication. इसके अलावा भी स्टूडेंट एक बर्लोज एस एम सी आर मॉडल एक और मिस्टर बर्लोज का इन्होंने ये कहा कि एक जानने के लिए किसी भी मैसेज की पांच एलिमेंट जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है ये सेंडर से रिसीवर के दरमियान और एलिमेंट भी आते हैं मसलन आप बात कर रहे हैं तो आपकी स्पीच कैसी है बाद लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है बादलों की मेरे जैसी होती है इससे बहुत फर्क पड़ जाता है बाज़ बहुत खूबसूरत आवाजें होती है इसी तरह अगर आप राइट अप में एक चीज पढ़ रहे हैं तो वो किस फोट में दिया गया है कितनी खूबसूरती से उसकी छपाई हुई हुई है उनका ये कहना है का कि इट मैटर्स सिर्फ यही नहीं है कि मैसेज क्या है ये भी कि वो मैसेज किस तरह से आया है किस तरह की आवाज में है किस तरह की प्रिंटिंग में आया है फिर जो लिसनिंग क्वालिटी है वो कैसी है आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे रेडियो पे सुन रहे हैं उसकी लिसनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है एक रेडियो है जो बहुत ख़राब सी आवाज़ दे देता है तो उससे भी जो मैसेज की रूह है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मीनिंग के लिहाज से इट वुड बी डिफरेंट और अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिपेंड करता हैं कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी कितनी अगर आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है तो इससे भी मैसेज को समझने में फ़र्क पड़ेगा आपका जो थाट और जो रीजनिंग प्रोसेस वो इन सारे फैक्टर्स के साथ अटैच है और मीनिंग को शेप अप करने में काम करता है जैसे हमने कहा कि पांच एलिमेंट्स कौन से स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग और रीडिंग एंड द थॉट प्रोसेस ये फाइव एलिमेंट्स हैं जो सेंडर से लेके रिसीवर के दरमियान किसी न किसी जगह पे आते हैं वेरी ट्रूली लेकिन ये फार्मूला आया था नाइनटीन में आप कोशिश करके और भी फॉर्मूलाज ढूंढ सकते हैं दैट वुड स्ट्रेंथन योर कैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मोर ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ कम्युनिकेशन नाउ स्टूडेंट्स इज द टाइम वी मे बी टॉकिंग अबाउट वन मोर वन और टू टर्म्स बट बिफोर आई कम टू टर्म्स अगेन हियर स्टूडेंट्स इज वेरी सेंश टू अगेन फाइंड Difference between Shannon Weaver model, which is more of uh, mechanical, which is more of engineering, but it talks some commonalities between the human communication model and a mechanical model. But this uh, Shannon Oskate model, it talks more about human communication, and it provides more scope with added elements of uh, feedback decoding common field of experience in context and it places you in a great position it tells you that you are in a great position to understand the message when it is about the whole context in, in all those elements which have been put in this model and now is the time to learn uh, a point or two uh, from the sheet of terminology what last time we were talking

थिएटर जो है वो एक डिफरेंट थिएटर जैसे सैनमा है सैनिमा इज ए थिएटर स्टेज परफॉर्मेंस जो है वो लाइव परफॉर्मेंस जो आप करते हैं वहां उस, उसका नाम है पता नहीं रेडियो टीवी और थिएटर के फनकार जो हैं वो द टेक एय के वो जो स्टेज के फनकार हैं वो थिएटर में शामिल थिएटर आर्ट थियेटर इज अ प्लेस वेयर यू कैन शो यूर आर्ट वर्क इन देंस ऑफ फिल्म जनरली एंड देर यू फाइंड एन ऑडियंस देअर And you also call it uh, cinema, right? But the term we are going to talk about today is beat. We are going alphabetically, all those terms which you encounter in mass communication, in different areas, in newspapers, in radio, in television, particularly in the news area, in the news area of radio, in the news area of uh, television, and obviously in the newspapers. The word beat is very common. Beat is a specific area given to a person where the person is reporting events again and again and in fact specializing for instance there is a person who is reporting crime the job of a person is to report only crime so we will call crime is his beat or her beat if a person is reporting parliament all the time he is in the parliament he is in the senate or she is in the senate they are reporting things from there we say Parliament is the beat for this person. So, the beats are like this sports, they, they, it is specialized job then in a newspaper office or in any uh, news agency. You are specializing in sporting events. You are only, you may report any other person, any other event, but here you are reporting sporting events, you are reporting business events, you are reporting crime events. In this case, it is said that you are working in this beat which specializes one subject. For the day, it is enough, and we end our talk for the day here. The next day, we will come with a new topic and obviously some new terms. Till then, it is Hafiz.